आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, तो देश के किन किन राज्यों में अब बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने पकड़ी है रफ्तार, दिल्लीवासियों को अब करना होगा इंतजार। मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई, यानी गति इसने पकड़ लिया, अब धीरे धीरे उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ये पहुंच रहा है। वहीं ताजा मौसम स्थिति, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की एक बार फिर मजबूत होते हुए गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में ये मानसून आगे बढ़ गया। हालांकि भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली को मानसूनी बरसात के लिए भी इंतजार करना होगा। माना जा रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में मानसूनी हवाएं 27 जून तक आने की उम्मीद है। वहीं भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने बताया है कि दक्षिणी यहां पर गुजरात और दक्षिणी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाकी बचे इलाकों में अगले 24 घंटों में मानसूनी बारिश यहां पर 34 घंटों से यहां पर हो रही है। वहीं अब तक मानसून बारिश से पूरा दक्षिण यहां पर भीग चुका है। अब आलम यही है कि बिहार में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसके अलावा देश के कई राज्यों में प्री मानसून की बारिश हो रही है। आपको बता दें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने भारत के अधिकांश क्षेत्रों को कवर कर लिया है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड यहां पर झमाझम बारिश से मौसम सुहाना कर दिया गया है। मौसम विभाग ने ये जानकारी यहां पर दी है। वहीं पश्चिम बंगाल में यहाँ पर दक्षिणी पश्चिम मानसून के चलते दो दिन और अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण बंगाल में लगातार बारिश होने से यहाँ पर कई जो नदियाँ हैं वहाँ पर उनका जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आसपास के इलाकों में तेज से यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका बनी गई है। वहीं कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है, यहाँ पर भी रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी मौसम लगातार बदल रहा है। यहाँ पर स्थित चमोली जिले में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण यहाँ पर भूस्खलन के चलते कई इलाकों में यहाँ पर नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गए हैं। अब बात करते हैं राज्यवार मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मौसम की, तो यूपी में रफ्तार पकड़ रहा है मानसून। लखनऊ, कानपुर में झमाझम बारिश के हैं आसार। बहराइच में रेड अलर्ट हुआ है जारी। यूपी में आज भी यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं कई इलाकों में कल भी यहाँ पर तेज बारिश हुई थी, जिसके कारण सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा और लखनऊ के अलावा कानपुर, कन्नौज और उनाव, अयोध्या में झमाझम बारिश होगी। इससे पहले शनिवार को भी राज्य के लखनऊ, कानपुर में दिनभर छटपुट बारिश यहाँ पर होती रही थी। वही 4 दिन बाराबंकी में ठटकने के बाद मानसून ने रफ्तार पकड़ी और शहर में दिन भर झमाझम बारिश फुहार के साथ यहां पर मानसून ने प्रवेश किया। इस बार शहर में मानसून तय समय से पहले ही आया है। वही आचरी मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि मानसून ये यहां पर मानसून से पहले यहां पर 10.2 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। वही केंद्र मौसम विभाग के केंद्र के निदेशक JP गुप्ता ने बताया है कि मानसून ने बीते रविवार को यूपी में प्रवेश किया था। हालांकि इसके बाद रायबरेली, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, सुल्तानपुर समेत यूपी के कई जिले से होता हुआ बाराबंकी आकर ये मानसून ठहर गया था। अब कल यहाँ पर मानसून ही आगे बढ़ा है और लखनऊ और कानपुर होते हुए मेरठ तक ये पहुँच चुका है। वही शहर में भी बदली बारिश के कारण तापमान 10 डिग्री तक यहाँ पर तापमान में गिरावट आई और दिन का यह पारा गिरकर 28.2 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। मुरादाबाद में शनिवार को बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को वाहन चलाते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर सड़कों से घरों में यहाँ पर गंदा पानी पहुँच रहा है। वही मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि आज भी यानी रविवार को यूपी में मौसम जो बारिश का है वो मानसून यहां पर रफ्तार पकड़ेगा। लखनऊ समेत कन्नौज और कानपुर और उनाव, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और कासगंज और मुरादाबाद, रामपुर, संभल और बदायूं और हमीरपुर में तेज बारिश की संभावना है। वही मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, जिसमें गोंडा, बलरामपुर, सिरवस्ती, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली, पीलीभीत और शाजापुर जिले शामिल है। इसके साथ ही बहराइच जिले की फुलकिरी और सीतापुर में भी रेड अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की, तो मध्य प्रदेश में तेज आंधी तूफान के साथ कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की हुई है चेतावनी जारी। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। वे पूरे प्रदेश में मानसून छा जाने के साथ ही अब मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि अभी तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून ने दस्तक नहीं दी थी, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि आज मानसून पूरे प्रदेश में छा जाएगा और झमाझम बारिश शुरू होगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में शिवपुरी और नीमच, रतलाम, मंदसौर और आगर और सिद्धि और सिंगरौली और सतना, रीवा, सागर और छतरपुर जिलों में भारी से अति भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है।
वहीं भारी से अति बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है और अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में शिवपुरी, रतलाम, नीमच, मंदसौर, अगार और आगरा और सीधी और सिगरौली और सतना और पन्ना, रीवा, सागर, छतरपुर में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। यहाँ पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने और गरजने की भी संभावना यहाँ पर जताई गई है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ साथ आंधी तूफान की भी आशंका है। वहीं रीवा, शहडोल और जबलपुर, सागर और भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभागों में भी जो उनके जिले हैं यहाँ पर भी बारिश यहाँ पर हो सकती है। वहीं नीमच, मंदसौर और बहरानपुर और खंडवा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भी तेज आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने व बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही अगर बात करें पिछले 24 घंटों की हुई बारिश की तो प्रदेश में सीधी जिले में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। सीधी जिले में 75 mm के आसपास यहाँ पर रिकॉर्ड बारिश की गई है। इसके अलावा सिवनी में 68 और रतलाम में 60 और नरसिंहपुर में 30 और रायसेन में 20 mm तक बारिश यहाँ पर हुई है। वही प्रदेश में बारिश का अलर्ट के चलते लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम समाचारों की तो बिहार के कई इलाकों में आज होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बिहार के सभी जिलों में लगातार बारिश यहां पर हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। वही मौसम विभाग की माने तो यह स्थिति अभी कुछ दिनों तक यहां पर बिहार में बनी रहेगी। वही बिहार में रविवार के लिए उत्तर पश्चिमी बिहार के जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वही इनमें पश्चिमी चंपारण, सीवान और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में बारिश की आशंका है। वही उत्तर मध्य बिहार के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली और शिवहर और समस्तीपुर जिले शामिल है। वही पश्चिमी बिहार में यहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वही आज पटना के कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। वही मौसम विभाग के अनुसार राज्य के प्रत्येक हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वही पिछले 24 घंटों में राज्य के मोहनिया में 60 mm बारिश हुई है। वही चांद और आसपास के इलाकों में भी बारिश यहाँ पर लगातार पड़ी है। वही औरंगाबाद में 30 mm तक बारिश हुई है। इसके अलावा बोधगया और चेत्री और इंद्रपुरा सहित अन्य इलाकों में यहाँ पर बारिश हुई है। वहीं भागलपुर जिले में इस बार मानसून खूब मेहरबान रहा है। इस माह अब तक इतनी बारिश हो चुकी है जितनी 12 सालों में जून महीने में नहीं हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 12 दिनों में जिला के अंदर करीब 50 से 60 mm बारिश होने की संभावना है। और अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पर जून माह में होने वाली बारिश कुल बारिश का आंकड़ा 350 mm से ज़्यादा यहाँ पर चला जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश और तूफान का अलर्ट मौसम विभाग ने किया है जारी। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा और डेहलोजी में आज रविवार को भारी बारिश होगी। वही मौसम विभाग द्वारा राज्य के उप क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने के साथ साथ तूफान चलने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही प्रदेश में 21 जून को भी मौसम खराब बना रहेगा जबकि 22 और 24 जून तक मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद 25 जून को फिर राज्य में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वही हिमाचल में अधिकतर क्षेत्रों में वीकेंड पर मौसम साफ बन रहा है मगर दोपहर के बाद पहाड़ों में बादल गिरना शुरू हो गए थे। राजधानी शिमला में भी शाम के समय झमाझम बारिश कल यहां पर हुई थी। वही बारिश होने से शिमला में शाम के समय मौसम सुहाना बना रहा है। बारिश होने से शिमला के अधिकतम तापमान में बीते रोज मुकाबले 1 डिग्री में गिरावट यहां पर आई है। अब बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम समाचारों की तो झारखंड के कई जिलों में वज्रपात के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। झारखंड राज्य में मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य की राजधानी रांची सहित रामगढ़, कुटी, बोकारो और गुमला, हजारीबाग और देवघर और धनबाद और गिरडाई और धनबाद और दुमका और जामतड़ा और उकार और साहिबगंज और में यहां पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही राजधानी रांची में भी दिन में यहां पर बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। वही मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी बिहार के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी ट्रिप पश्चिमी राजस्थान से हरियाणा और उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों तक फैला हुआ है। इसके कारण राज्य में मानसून की बेहतरीन बारिश देखने को मिल रही है। वही अगले 24 घंटों तक राज्य की स्थिति ऐसी यहां पर बनी रहेगी। वही राज्य के विभिन्न हिस्सों में कल भी यहां पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई थी और आज भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। वही पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश धनबाद की मैथन में रिकॉर्ड की गई है। यहां पर 178 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार 18 जून तक राज्य में सबसे ज्यादा औसतन धनबाद में ज्यादा बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। इस अवधि में 98 mm बारिश यहां पर होती है लेकिन इस बार औसत से 200% ज्यादा 294 mm तक बारिश झारखंड में रिकॉर्ड की गई है।
चलिए बात कर लेते हैं अब राजस्थान राज्य के मौसम समाचारों की। तो राजस्थान में एक हफ्ते पहले पहुंचा है मानसून। 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी हुई है जारी। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद मानसून राजस्थान में प्रवेश कर चुका है और राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। वही राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में कल रात से ही मानसून की जमकर बारिश हुई है। अब भी बूंदाबांदी जारी है इन इलाकों में। यूं तो 25 जून तक मानसून पहुंचता है, लेकिन इस बार मानसून यहां पर एक हफ्ते पहले एंटर हो चुका है। वह मानसून की जद में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ पूरी तरह से आ चुके हैं। वही सिरोही, राजसमंद, बारा के कुछ इलाके भी आज मानसून यहां पर इन इलाकों में पहुंच चुका है। इसी का असर है कि राजधानी जयपुर में भी सुबह से यहां पर बादल छाए हुए हैं और दोपहर के बाद कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि आज रविवार और सोमवार को अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना है। वही आज यहां पर उदयपुर, कोटा संभागों के जिलों में बारिश की संभावना है। इन संभागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश यहां पर होने की संभावना है। इधर उत्तर पश्चिम राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन दोनों संभागों के अंदर हल्की मध्यम बारिश की संभावना की बात यहां पर कही गई है। वही सोमवार को उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में मौसम का ऐसा ही हाल यहां पर जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी रहने वाला है। वही मौसम विभाग ने आज के लिए अलर्ट यहां पर जारी किया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि आज प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, झालावाड़ और उदयपुर में कहीं कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश यहां पर होने की संभावना है। इन जिलों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। वही राजधानी जयपुर में अगले 2 दिन आसमान में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई। हालांकि 22 से 25 जून तक मौसम साफ रहने का अनुमान यहां पर लगाया गया है।